बच्चे को फुसलाने के लिए ले जाते ना, जैसे तुम्हें कहेगा मैं फुसल जाऊंगा इससे स्नोबोर्ड से, तुम फुसल तो नहीं गए लेकिन फिसल गए थे। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम दोनों जा रहे हैं घूमने। दोनों घूमने जा रहे हैं लेकिन पता सिर्फ एक को ही कहाँ जा रहे हैं। मैं तो ऐसे ही बस आदिवासियों की तरह चला जा रहा हूँ साथ में। नहीं नहीं, मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब भी मैं इसको बताती हूँ तो ये उल्टी सीधी बातें करता है। लास्ट टाइम फ्ली मार्केट की इसने कितनी बेइज्जती करी थी। मतलब फ्ली मार्केट जैसा कुछ है जहाँ जा रहे हैं? बेबी मैं बता रहा हूँ। नहीं सुनो, मेरी बात सुनो। कोहनी की बरसात कर दूंगा मैं, छेद कर दूंगा पीठ में। अब पकड़ो जरा, पकड़ो। तुम, मुझे पता है अंदर से बहुत खुश हो। पकड़ो जरा, मतलब कितनी देर हो गई तुम्हें पकड़े हुए कैमरा? थोड़ा दुखता है ना, हाथ दुखता है ना लड़कियों। देखो कैसी लग रही हूँ, बताओ। बेबी तो बहुत अच्छी लग रही हो। ओ स्वैग। तो मैं और मेरा बेबी जा रहे हैं एक, चलो मैं थोड़ा बता देती हूँ कि ना मैं इसको स्नो वर्ल्ड में लेके जा रही हूँ। एक मॉल में है अभी, वो मॉल भी मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब पास में नहीं है, दूर है। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके साथ जाऊँ, क्योंकि ऐसी कोई भी जगह पे मैं गई नहीं जहाँ पे स्नो हो, मतलब हाल ही में। और हमें फॉर्चुनेटली मुंबई में अगर है तो क्यों नहीं इस चीज का फायदा उठाया जाए, स्नो में घूमेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा अगर देखेंगे, शॉपिंग करी तो करी, वरना फिर वापस आ जाएंगे कॉफी पी के। अरे क्या कर रहे हो? गाड़ी बैक कर रहा हूँ। तो गाड़ी तो मैं चलाती हूँ ना हमेशा। आज मैं चलाऊंगा ना। नहीं नहीं बेबी, दो घंटे में नहीं पहुँचना हमें। नहीं नहीं पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं, दो घंटे नहीं, एक ही घंटा है मेरे पास, मैं पहुँचाऊंगी। चलो बाहर निकलो, आउट। आ जाओ बेबी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो आप लोग तैयार हो हमारे साथ चलने के लिए? तैयार हो? तैयार हो ना, आ जाओ। अरे जाना कहाँ है? बेबी मैं बता रहा हूँ, जैसे ही मुझे पता चला और मुझे लगा ये कोई फालतू जगह है ना, तो मैं फिर निकल जाऊंगा। तुम नहीं निकल पाओगे, मैं तुम्हें शॉपिंग भी कराऊंगी ना। अभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं? शॉपिंग के लिए जा नहीं रहे, लेकिन शॉपिंग होगी वहाँ पे तो भी कर लेंगे। मतलब ये कोई ओपन मार्केट ही है। सुनो नहीं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग होगी मतलब। चलो मैं तुम्हें भी बताती हूँ, ये क्लोज्ड है, ये ओपन नहीं है। अब जब ओखल में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना, अब तो कूचाना ही है। भाई मतलब हम लोग मॉल जा रहे हैं। ठीक हाँ। है, नहीं मैं रेडी हूँ, बस मुझे ये बता दो कौन से मॉल जा रहे हैं, कितनी दूर है। बेबी यहाँ से थोड़ा एक घंटा लगेगा। बेबी तुमने एक बार भी बोला नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। बेबी तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन मुझे ना बहुत डर लगता है तुमसे। क्यों? क्योंकि तुम रोज कोई ऐसा कपड़ा निकालती हो जो मैंने देखा नहीं होता है, और ये थोड़ा सा डेंजरस है मामला जो है ना। क्यों? तुम अपना स्टाइल स्टेटमेंट चेंज कर रही हो लेकिन खूबसूरत लग रही हो, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसका जो रिस्क फैक्टर मैं देख रहा हूँ ना, तुम हो गई हो आजाद। दो रुपए हैं जेब में, उसमें से एक रुपया खर्च कर दिया तो क्या है। मतलब ये कितनी बड़ी वो है ना, कि एक ही घर में रहते हुए मैं पता नहीं कर पाता तुमने कब शॉपिंग कर ली। मतलब तुम कितनी चालसाज हो। चालसाज है जालसाज। अरे आंटी हटो ना, अरे वो हटने को तैयार नहीं है, शी इज नॉट रेडी। ओ सुनील शेट्टी की तरह कहती चल रही, धरती मेरी माँ है इसीलिए बीच। पहले हवा भरवा लें गाड़ी में। भरवा लेते हैं। क्या हुआ? थोड़ी सर दर्द की दवाई ले लो मेरे लिए और एक इनो ले लो। अभी तुम्हारी जगह पे जा रहे हैं तो तुम्हें ही सर दर्द हो गया, तो मेरा क्या होगा आगे? ले लो ना तो अच्छा शुरू। सिर्फ 6 सेकंड में, 1 2 3 4 5 6। क्या बात है, खाना लाइट था लेकिन अब नहीं, क्यों ऐसे नीचे नहीं आ रहा, यहाँ भी दर्द हो रहा है थोड़ा, यहाँ भी। घर चलना है वापस? हैं? नहीं। इसको कहते हैं पैशनेट ब्लॉगर। वो तो सही, या फिर पैशनेट घुमक्कड़। घुमक्कड़ मैं हूँ नहीं। घूमने के लिए सारी बीमारियां बर्दाश्त है। ऐसे ही मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को जगह दिखाना चाहती। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सब्सक्राइबर जंगल में रहते हैं और जंगल में वाईफाई लगा के वो तुम्हारे ब्लॉग्स देखते हैं और उन्हें पता ही नहीं कि शहर कैसा दिखता है और मॉल कैसे होते हैं? मैं मॉल की बात नहीं कर रही थी, कुछ अगर अलग चीज दिखे शहर में जो हमें भी दिख जाए तो अपने दोस्तों को भी दिखानी चाहिए। हर चीज मिल बांट के खानी चाहिए, भूख लगती है तो अपनों के साथ ही मिल बांट के इंसान खाना खाता है ना। भाई भाई पार्किंग के लिए कहाँ पे? भाई भाई पार्किंग के लिए सीधा जाने का। सुनो ना, इधर ही है क्या स्नो वर्ल्ड? स्नो वर्ल्ड पार्किंग जाओगे मालूम हो जाएगा, देखो कितना बड़ा है। एक सेकंड, तुमने उससे क्या पूछा? स्नो वर्ल्ड? बेबी तुम वहां से एक घंटा दौड़ा के स्नो वर्ल्ड में लाई हो, वो जिसमें बच्चे बर्फ के गोले उड़ाते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो? हाँ।
और तुम्हें लगा मुझे एक्साइटिंग लगेगा ये, या तुम्हें एक्साइटिंग लग रहा है इसलिए हम आए हैं? तुम्हें नहीं लग रहा? माय गॉड बेबी, तुम मतलब इतना एक घंटा टाइम वेस्ट करके मुझे काम से जल्दी बुला के, बेबी वी आर गोइंग आउट एंड वी आर कमिंग टू दिस शिट। दिस इज नॉट शिट। एक सेकंड, लेट मी जस्ट पार्क द कार, मैं तुम्हें आज देख लूंगी। बहुत सुन लिया मैंने। पार्किंग के लिए किधर? और ये वैले का क्या है? 150 चार्जेस। और यहीं पे लाके भी देंगे वापस? हां, कितना टाइम तक आएंगे आप? मतलब ये हम कैसे बना सकते हैं? 12 बजे? नहीं नहीं, हम क्यों 12 बजे आएंगे यहाँ पे? 150 रुपया ले रहे हैं पार्किंग का, यही कर देते हैं। हम 300 देंगे ना उनको, हमारे पास तो बहुत है। बहुत की बात नहीं होती है विनाश, लेकिन इंसान थोड़ा अच्छी तरह से जीना चाहता है। पहले ये बताओ 150 रुपए हैं? बातें तो बहुत हो गई। मेरे पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। बोलो कार्ड से पेमेंट लेते हैं। 150 रुपए नहीं है तुम्हारे पास? नहीं। तुम बाहर घूमने आए हो? तुम बीवी को बाहर लेके आए हो? बीवी मुझे लेके आई है। नहीं तो बीवी लेके आई है तो पति के पास पैसे तो होते हैं ना? पति के पास कार्ड है ना? दो उस चश्मे वाले को कार्ड। आइए भाई साहब, गुस्से में देख रहा हूँ। ये तो खाने के हैं। क्या है? कॉफी। कॉफी फिर भी अगर हम लोग 7:30 आए तो अभी का मेरा 5:45। नहीं नहीं, मैंने गेस किया तुम्हारा पिन नंबर वही था। तुमने गेस किया? ये मैं ही रख लूँ अपने पास, अगर कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी हुई तो। टू टिकट्स फॉर स्नो वर्ल्ड। आज बेबी को मैं बताऊंगी कि कितना मजा आता है। तुम जीवन का मजा नहीं लेते हो। अच्छा है ना अंदर? अच्छा है। अब हमारे पास है एग्जैक्टली 2 घंटे, तो 2 घंटे बाद हम आएंगे, तो तब तक हम लोग बेबी कॉफी पी लेंगे। कॉफी तो पी लेते, कॉफी का टाइम भी हो रहा है क्योंकि 2 पीनी है, तो एक अभी पीते हैं। एक जब ठंड लगेगी बाद में तो भी तो चाहिए होगी ना कॉफी। ये खरीद दो बेबी। मैं खरीद दूंगा, कसम खा के कह रहा हूँ। बस मुझे तुम बता दो ये है क्या। मुझे भी नहीं पता बेबी। तुम्हें ना बस क्यूट से पैकेट में जहर भी बेच दो ना तो तुम ले लोगी। मैं लूंगी अब कुछ। तुम मेरे को कुछ भी नहीं खरीद के देते हो ना। और तुम भी तो मुझे लाई थी ना घुमाने। कॉफी कॉफी तुम पी रही हो क्योंकि तुम्हें 2 बार पीनी, इसलिए 2 बार। स्नो वर्ल्ड तुम जा रही हो, क्यूट चीजें तुम खरीद रही हो, और सारे लांछन मेरे ऊपर कि मेरे लिए आए हम यहाँ पे। ये भी क्यूट है बेबी। अगली बार से तुम्हारे प्लान्स ना तुम अपने पास रखना। मेरी बात सुनो, मैंने अब ना सोच लिया मैं तुम्हारे साथ आऊंगी भी नहीं। गई मैंने अब, मतलब सोच लिया अब नहीं होता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है मुझसे। पता मेरे दिल को कितनी तकलीफ होती है इस तरह। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ सोचती हूँ कि ये कराऊंगी वो कराऊंगी। एक सेकंड, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन तुम जैसे ही एक शॉप में थोड़ा बहुत मैं देखूं, एक लड़की का दिल करता है देखने का, लेकिन जैसे ही मैं इतनी सी भी चीज देखती हूँ ना तो तुम्हारा मुंह बन जाता है। आई कांट टेक इट एनीमोर। स्कार्फ ले लूं क्या? बे मुझे याद आ रहा है तुमने 4 दिन पहले स्नो वर्ल्ड का एड देखा था कहीं पे, तब से ही तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है ना, और मेरे ऊपर नाम डाल दिया। बेबी तुम्हें घुमा के लाती हूं। ये बैग सिर्फ क्यूट लग रहा है इसलिए लटकाया हुआ है कुछ नहीं इसमें। मेरे को बड़ा चाहिए ऐसा बैग, बड़ा ले दो। बोरा बांध लो ना पीठ पे जो किडनैपर्स रखते हैं। तो चूंकि अब हमारे पास बहुत टाइम है और शॉपिंग हमने की नहीं है, सो व्हाट वी आर प्लानिंग इज टू गो एंड हैव सम कॉफी। कॉफी पिएंगे दोनों के दोनों। और अविनाश बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रहा। मैं क्या करूं, लेकिन ये अंदर जाएगा तो इसको बहुत मजा आएगा, मुझे पता है। मेरी तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, सच बता रही हूँ। तुम मेरी चुगली कर रही थी ना अभी? नहीं नहीं नहीं, मैं चुगली नहीं कर रही थी। आप बताओ मैं चुगली कर रही थी क्या? अब आप मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। अब तुम फंस गई हुई बोल के। पहले चुगली नहीं है, मैंने इसकी चुगली करी है, बताओ जरा। चार लोगों ने यूट्यूब पे तुम्हारी तारीफ कर दी तो उनसे मेरी चुगली शुरू हो गई। मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं? नहीं। स्नो वर्ल्ड का तुमको किसने दिया आइडिया? मेरे दिल ने। कभी कुछ मेरी खुशी के लिए नहीं कर सकते हो क्या? तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ, बस मेरी खुशी के लिए तुम इतना करते हो ना, बर्फ में मुझे दबा के ना तुम चली जाओ। कॉफी पता करो कहाँ और ऊपर है। बहुत बड़ा मॉल है ये बेबी। दुबई ले चलो, दुबई चलना है दुबई। ये ना कुछ नहीं करती, अचानक बैठे बैठे ना बेबी प्लीज चेक द फ्लाइट फॉर मॉरिशियस। ओह दुबई, या बेबी चेक द फ्लाइट फॉर दुबई ना, व्हाटएवर इट इज, एमिरेट्स एंड ऑल। ये एकदम झूठ बोल रहा है। मैंने सुबह सुबह सो के उठेगी, इंस्टाग्राम खोला, उसमें ना बाली देख लिया। ओ बेबी गेट अप, सी द लाइट फॉर बाली, हाउ मच इट इज। मैंने ऐसे कभी नहीं किया। मैंने सिर्फ एक दो बार पूछा है कि यहाँ चले तो इधर की फ्लाइट्स चेक कर लो। इसने किस तरह से पेश किया है, इसने मेरा कितना खराब हो दिखाया यार आप लोगों के आगे। आप लोग अगर मैं मेक माई ट्रिप का अकाउंट डिटेल दे दूँ ना तो आपको दुनिया के हर कोने की फ्लाइट डिटेल दिख जाएंगी। फिर रोज सर्च करवाती है 4 जगह की फ्लाइट डिटेल। और जाना कहाँ है? कुर्ला मार्केट सिटी। अभी मैंने इसको बताया मेरे एक दोस्त दुबई में शिफ्ट हुआ है, क्योंकि इसको मैसेज करो ना हम आ रहे हैं, और ये मुझे भी नहीं पता कि हम आ रहे हैं। तुमने कहा था ना बेबी सिर्फ तुम प्लान बनाओ, तुम बोलोगी और मैं चलूंगा, आगे से मैं कुछ नहीं पूछूंगा। अब क्या हुआ भाई, प्लान फ्लाइट से आगे नहीं बढ़ता ना, खाली सब जगह को फ्लाइट डिटेल निकलवा लेती हो। जाना तुम्हें कहीं है? I will see to it, किस बार आप नेक्स्ट जाए हम लोग कहीं, आप लोग देख लेना। परसों मेरे से कहती बेबी जरा US की फ्लाइट चेक करना, चेक करके मैंने प्राइस बताया। कहती जरा कीनिया की देखना, नैरोबी US से सीधा कीनिया नैरोबी। मुझे नहीं पता था ना कि मेरा पति मेरी मुखबरी करेगा लोगों के सामने जाके।
तो हमारी कॉफी ऑफी सब हो गई है। संभावना ने दो तीन अनवांटेड चीजें भी खरीद ली हैं। नहीं नहीं अनवांटेड नहीं है, ये जरूरी चीजें हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं स्नो वर्ल्ड की तरफ, और अब जा रहे हैं, अब देखते हैं अंदर क्या होता है। अरे अभी कितना मजा आ रहा है, तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हें यहाँ तो बहुत ठंड है। Did you like it? Yeah, I quite enjoyed it. कटवा के आ गए बीबी? अच्छा नहीं लगा बीबी, सच बताऊं मजा तो आया, थोड़ी देर ये तो मत बोलो। पर वो हरामजादा पांडा क्या बोल रहा था पीछे से? मुझे लगा कोई आदमी मुझे पीछे से चढ़ा रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लगा अभी बताता हूँ, पीछे मुड़ा तो पांडा हाथ हिला रहा है। बेबी आज -10 degree टेम्परेचर था अंदर, मैंने पूछा। तो गाइस हमारी शॉपिंग हो गई है, आप ये देख सकते हो। बेबी तुम्हारे साथ तो भाई शॉपिंग करने आना ना या मॉल आना, तुम समझ लो ऐसा लग रहा है मैं पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पे हूँ। बेकार की बातें मत करो बेबी, इतना थक गया हूँ मैं। झूठी झूठी बातें करते तुम मेरे साथ, अब मैं ड्राइव करूंगी ना तुम्हारे लिए। सो गाइस शॉपिंग थोड़ी बहुत करी है मैंने, और अब जा रहे हैं हम लोग घर, और इससे ज्यादा ब्लॉगिंग की हालत में है नहीं। तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तो टिल देन आप जरूर बताइए कि हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। एंड डू राइट शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। बच्चे को फुसलाने के लिए ले जाते ना इसे, तुम्हें क्या लगा मैं फुसल जाऊंगा इससे स्नो वर्ल्ड से? तुम फुसल तो नहीं गए लेकिन फिसल गए थे। मतलब इसकी जगह अगर तुम मुझे बोलती ना कि बेबी तुम चार बार दीवार में टक्कर मारोगे मेरे लिए, मैं छह बार मारता।